आनंद मार्ग पद्धति से अंतरजातीय विप्लवी विवाह पटना के गायत्री देवी एवं विजय की सुपुत्री आयुष्मती आभा रानी का विवाह सहरसा के बबीता देवी एवं अनिल कुमार के सपुत्र आयुष्मान आनंद अभिषेक से संपन्न हुआ। वधु पक्ष से पौरोहित का कार्य महिला अवधूतिका आनंद स्निग्ध आचार्य एवं वर पक्ष से आचार्य परमेश्वरानंद अवधूत के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न। विवाह में उपस्थित लोग समाज को साक्षी मानते हुए परम ब्रह्म तथा मार्ग गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण करते हुए कहे कि हम इस विवाह के साक्षी हुए। साथ ही साथ सभी लोगों ने एक स्वर में नौ दंपत्ति के सुखमय जीवन के लिए कामना की। इसके बाद नौ दंपत्ति एक दूसरे को माला पहनाकर आदान प्रदान किया और इस विवाह की विशेषता यह रही कि महिला आचार्य के द्वारा इस वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए महिला आचार्य ने कहा कि जाति पाति रंग भेद नस्लवाद और दहेज प्रथा को दूर करने के लिए इस जोड़ी अंतरजातीय क्रांतिकारी आनंद मार्ग पद्धति से विवाह हुआ। आचार्य परमेश्वरानंद अवधूत ने कहा कि महिला तो भौतिक स्तर पर स्वावलंबी हो रही है, परंतु उन्हें मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर भी विकसित होने का अवसर प्रदान करना होगा। हम महिलाओं को केवल पौरोहित गिरी का अधिकार ही नहीं बल्कि महिलाओं द्वारा वैवाहिक कार्यक्रम दाह संस्कार श्राद्ध क्रम करने का भी अधिकार समाज को देना होगा। आज तक समाज में पुरुष पौरोहित के द्वारा सारे धार्मिक कर्मकांड संस्कार कार्यक्रम संपन्न होता था। आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने महिलाओं को पौरोहित गिरी का अधिकार देकर महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया। सभी को समाज में समान रूप से रहने का अधिकार है, इससे किसी को वंचित करना घोर पाप है। महिला एवं पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, इनके समान अधिकार के बिना समाज का सर्वांगिक उत्थान संभव नहीं है। अब दुल्हा न बिकेगा न चलने देंगे जात पात का बाजार, आज कसम हम लेंगे संग में बंद करेंगे यह व्यापार। हो बिना दहेज जो ब्याह को राजी उसी से ब्याह रचाएंगे, हम मिलकर आज शपथ लेते हैं यह कुरूतियां मिटाएंगे। ऐसा ही संकल्प लेकर अध्यात्म व परमार्थ से जुड़ी संस्था आनंद मार्ग आज के वर्तमान समय में जात पात और दहेज जैसी शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए इस विप्लवी या क्रांतिकारी विवाह के आधार पर समाज में चेतना लाने का प्रयास कर रही है। अधिक से अधिक लोग इस व्यवस्था को अपनाएं जिससे एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना हो सके और साथ ही साथ वर वधु के आर्थिक सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए उनका प्रगति का पथ प्रशस्त करने के लिए संकल्पित हो। उन्हें वैवाहिक जीवन के साथ सामाजिक दायित्व का भी भार उठाना पड़ेगा। सामाजिक दायित्व द्वारा ही हम शोषण मुक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं।